भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद्र ने बताया कि नए भारत का निर्माण केंद्र सरकार का बड़ा महत्व है। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत सरकार की आधुनिकता और शक्ति बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अनेकों योजनाओं से देश में एक नई क्रांति का आगाज कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। इस अवसर पर वाणी तिवारी, अनीता सिंह, विलोमा सिंह, दीपिका, सुमन जायसवाल, उत्साह दुबे, प्रांजल सिंह, सुभद्रा, कंचन मौर्या, शीला विश्वकर्मा, संजू निषाद, श्रेया तिवारी, बबीता मौर्या, शांति देवी, प्रतिभा पांडे, ममता गुप्ता, दीपक पांडे, बिंदु गुप्ता, आरती जायसवाल, मीनू गोयल, सिद्धि गुप्ता, मीरा दुबे, गायत्री देवी, सोनिया, सुमन जायसवाल, रचना गुप्ता, सुमन जायसवाल, उषा चौहान, सुमन मिश्रा, प्रतिभा सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, लक्ष्मी चौबे, सुनीता गुप्ता सहित अन्य महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद्र एवं महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव ने कहा, श्वेता श्रीवास्तव महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष जी, ये हम प्रशिक्षण और महिला मोर्चा महानगर गोरखपुर में हो रहा है, जिसमें इसमें सभी बहनों की सहभागिता है और ये 4 सत्र में चल रहा है। ये हम लोग ये प्रशिक्षण और हमें सीखने को कुछ उद्देश्य है, जिसमें हमारे संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इसकी जानकारी, इस हमारे संगठन की रीति नीति जो क्या है उसमें इस बातों को समझाया जाता है, बताया जाता है, आगामी चुनाव की कैसे हम तैयारी करें, और काफ़ी तरह के सत्र चलते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है महिलाओं के उत्थान, कैसे हम अपने भाजपा के उत्थान, इसमें सारे सत्र को समझाए जाते हैं, आगे आगे संगठन को हम कैसे लेके चल सके, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हम महिलाओं में संगठन की क्या सहभागिता है, ये सब सारे मतलब इसमें हम लोग करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से कहते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो पढ़ाई करता है, उसी तरह से ये हम लोग की जो प्रशिक्षण वगैरह एक पढ़ाई की सत्र की तरह है, जिसे में हम कुछ सीख कर इससे जिससे हम आगे आगामी आने वाले संगठनों के बारे में हम अपना खुद भी जानकारी ले और आने वाले हमारे संगठन में जो कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं उनको भी हमको सिखाने का मौका मिलता है। यही हमारे 4 सत्र का उद्देश्य है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वरिष्ठ हमारी दीदियाँ हमारा मार्गदर्शन करती है। इसका उद्देश्य है कि संगठन को हम कैसे मजबूत करें। कितना दिवस से ये एक दिन का है और 4 सत्र इसमें चलते हैं। चारों सत्र में हमारी अलग अलग मुख्य अतिथि आई हैं और उनके द्वारा हमारा अस्मिता चंदी हैं, अर्चना, पहले सत्र में हमारी अस्मिता चंद दीदी है, दूसरे सत्र में अर्चना सिंह दीदी हैं और तीसरे सत्र में विजय लक्ष्मी मिश्रा जी हैं और चौथे सत्र में रजनी पांडे जी हैं, जो चारों का मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है, जिससे आने वाले संगठन की मजबूती और इससे हमें क्या प्रेरणा मिली इनसे सीखने को मिलता है। मैं अस्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा।
प्रशिक्षण वर्ग का ये उद्देश्य है भैया कि मतलब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसे अभी तक जो है प्रदेश में हुआ है, फिर प्रदेश से क्षेत्र में प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, अब ये जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, फिर ये बहनें हमारी जो है वो मंडल में जाएंगी, वार्डों में जाएंगी और जो भी संदेश है भारतीय जनता पार्टी का उसको जो है हर घर पहुँचाएंगी। आगामी नगर निकाय का चुनाव है उसमें कितने प्रत्याशी? सॉरी, आगे नगर निकाय के चुनाव है। हाँ हाँ, नगर निकाय के चुनाव में जो है वो पूरी तरह से जो है हम लोग लग चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य है कि हर नगर में जो है वो कमल का फूल खिले और निश्चित रूप से खिलेगा भी और इससे जो है हम लोग को आने वाले 2024 में जो है काफ़ी मजबूती मिलेगी।